हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम वेजिटेबल पाव बनाकर तैयार करेंगे। ये शानदार बनेंगे। अगर आप पिज्जा खाने के शौकीन हैं तो ये पाव एक बार जरूर ट्राई करें। हर किसी को ये पसंद आएगा। इसका टेस्ट एकदम क्रिस्पी बनेंगे बाहर से और अंदर से खूब सारी सब्जियां इसमें हम डालेंगे। तो आइए हम पाव बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक गाजर, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, एक प्याज और 10 जो बीन्स की फली होती है उनको सबको मिलाकर बारीक बारीक काट लिया है और सबको हमने अलग अलग रखा है। 4 मैंने चीज की क्यूब है, जो मोजरेला चीज आती है वो वाली चीज, पिज्जा सॉस लेना है और बटर। अब सबसे पहले हम एक भगोनी को या कढ़ाई को गैस के ऊपर रखेंगे और एक रिंग रख देंगे, या आप जाली भी रख सकते हैं, और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। इसको अच्छे से हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैंने एक पाव का पैकेट लिया है, जो हमने पूरा पैकेट लेना है जिससे हम पाव भाजी बनाते हैं, ये वो वाली ही ब्रेड है। और इसको हम बीच बीच कट कर लेंगे, जैसे हम बर्गर को बीच में से काटते हैं ऐसे ही हमें इसको बीच में से कट कर लेना है। पाव को मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब हम एक हिस्सा को हटाकर अलग रख देंगे और सबसे पहले हम इसमें बटर लगाएंगे। बटर लगाने से पहले हम इसमें एक प्लेट में रख लेते हैं जिसमें हम इसको बनाकर तैयार करेंगे, ये बाद में उठाना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें अच्छे से हम बटर लगा देंगे। मैं जो मैंने सामान लिया है उसमें मैं 2 पाव बनाकर तैयार करूंगी। अगर आप एक बना रहे हैं तो कम ले सकते हैं। अब हमने जो पिज्जा सॉस लिया है वो इसमें लगाएंगे। आप इसकी जगह शेजवान चटनी भी ले सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट शानदार आता है। अगर पिज्जा सॉस लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा जगह जगह लगाकर तैयार करेंगे। पिज्जा सॉस मैंने सारे में लगा दिया है। अब हम सबसे पहले इसमें गाजर लगाएंगे। इसमें हम खूब सारी सब्जियां डालकर तैयार करेंगे तो हेल्दी भी बनकर तैयार होगा। बीन्स लगा देंगे, प्याज, ये सारी चीजें हमें हाथों से ही लगानी है ताकि अच्छे से पाव में सारी तरफ लग सके। टमाटर लास्ट में हम शिमला मिर्च लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच भरकर चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब 1/4 चम्मच हम यहाँ काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। इसके डालने से भी इसका चटपटा टेस्ट है जो बढ़ जाएगा। और नमक भी डाल दें, नमक अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ बारीक वाले नमकीन सेव आते हैं वो लिए हैं। इसे डालने से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। 2 चम्मच भरकर डाल देंगे। ये खाने में बड़ा मजा आता है, जो बीच बीच में हर बाइट में सेव निकलते हैं तब। अब जो हमने चीज ली थी उसको हम कद्दूकस करके डाल देंगे। सारे में अच्छे से डालेंगे। चीज के डालने से तो हर किसी को पता है कि कितना अच्छा टेस्ट आता है। ये हमारा पाव का एकदम शानदार टेस्ट बना देगा और एकदम नई रेसिपी बनकर तैयार होगी। एक पाव में हम 2 क्यूब डाल रहे हैं। आप इसको चीज को बढ़ा भी सकते हैं अगर ज्यादा चीज खानी पसंद हो तो। सारी चीजों को मैंने अच्छे से रख दिया है। अब जो हमने ऊपर से पाव हटाया था वो इसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे से हाथों से हम सेट करेंगे। अब हमारा भगोना भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसका ढक्कन हम हटा लेंगे और इस पाव को हम अच्छे से इस भगोने में रख देंगे। अब हम इसको ढक देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। पाव को बेक होते हुए 15 मिनट हो चुकी है। अब हम ढक्कन को हटाकर पाव को बाहर निकाल लेंगे। पाव को मैंने बनाकर बाहर निकाल लिया है। एकदम गर्मा गर्म पाव बनकर तैयार है, एकदम फूले फूले बने और खाने में तो एकदम शानदार है ही, और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। मैं एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। ये शानदार बनकर सीजी पाव तैयार हो गए हैं। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।